Assalamu alaikum viewers. Today's our topic is we will discuss the matrix factorization. Before that, outlines of our lecture is first of all matrix factorization, then LU factorization or LU decomposition. Similarly, examples regarding LU decomposition, solution of linear system using LU factorization, forward substitution, backward substitution, and last but not the least, Gaussian elimination method. First of all, what is matrix factorization and LU factorization? In numerical analysis and linear algebra, LU decomposition or factorization, factors a matrix as the product of lower triangular matrix and an upper triangular matrix. LU decomposition can be viewed as the matrix form of Gaussian elimination. Computers usually solve square system of linear equations using LU decomposition, and it is also a key step when inverting a matrix or computing the determinant of a matrix. This method was introduced by the Polish mathematician Banachewicz in 1938. Basic concept kya hai ki hum ek matrix ko wo matrix jo coefficient matrix kehlata hai उसको हम डीकम्पोज कर देते हैं, उसके फैक्टर बना लेते हैं इन टर्म ऑफ लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स एंड इन टर्म ऑफ अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं और अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। दैट्स व्हाई ये हमारे पास जो फैक्टराइजेशन है ये एल यू फैक्टराइजेशन कहलाती है। और ये जो मेथड था ये पोलिश मैथमेटिशियन बेनाचेविस ने 1938 में इंट्रोड्यूस करवाया था। LU factorization को हम लिखेंगे कैसे और find out कैसे करेंगे ये हमारा basic concern है, और इसी के साथ फिर हम system का solution find out करेंगे इसी factorization जो कि LU factorization कहलाती है इसको use करते हुए। So assume A is an m cross n matrix, एक ऐसा matrix जिसमें number of rows और number of columns exist करते हो, number of rows भी हो number of columns भी हो, that can be row reduced to echelon form without row interchange, जो के जिसको हम reduced echelon form में लिख सकते हैं, ये हम briefly discuss कर चुके हैं, लेकिन इसमें शर्त ये है कि हम इस form को बनाते हुए किसी भी rows को interchange नहीं करेंगे, then A can be written in the form A is equal to LU. अब यहाँ पे जैसे मैंने पहले बताया कि A हमारे पास क्या था, एक coefficient matrix था। अब इस coefficient matrix को हमने इसके factor में लिख दिया। फैक्टर क्या क्या है, लोअर ट्राइंगुलर फैक्टर है, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है और अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है। लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स को हमने एच से रिप्रेजेंट किया और अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स को हमने यू से रिप्रेजेंट कर लिया। ये हमारे पास लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स आ गया और ये हमारे पास अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स आ गया। अब इस ए को जो हमने डीकम्पोज किया इन टर्म ऑफ एल यू, इसमें एल इज एन एम क्रॉस एम लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये m क्रॉस n का मतलब यहाँ पे ये है कि जो लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स होगी वो हमेशा स्क्वायर फॉर्म में होगी। इसका मतलब है कि उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो होंगे वो बराबर होंगे। और दूसरा इस पे क्या है कि इसके डायगनल एंट्रीज में वन आएगा, डायगनल एंट्रीज में जो वैल्यूज अपियर होगी वो वन 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 की फॉर्म में होगी। इसी तरह फर्दर ऑन द डायगनल जैसे मैंने पहले बताया, एंड यू इज एन एम क्रॉस एन एचलॉन फॉर्म ऑफ इट, जो यू होगा उसका ऑर्डर वही होगा जो हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स का ऑर्डर है, यानी कि ए का जो ऑर्डर है वही ऑर्डर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का भी होगा। और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो है वो ऑब्टेन की जाए, जो हासिल होगी वो एचलॉन फॉर्म ऑफ हमारे पास ए मैट्रिक्स होगी, echelon form of A matrix. Echelon form से भी आप familiar हैं, हम example में दोबारा solve भी करेंगे, वो A को echelon form जब हम बना देंगे वो हमारे पास upper triangular matrix आ जाएगी। और lower triangular matrix कैसे होगी कि वो हमेशा square की form में होगी, number of rows और number of columns उसमें बराबर होंगे। So such as factorization is called LU factorization of A, इस ऐसी factorization को हम LU factorization of coefficient matrix A कहते हैं, या LU decomposition of A और LU multiplication of A कहलाती है। अगर आपको ये हमारे पास
ए एक मैट्रिक्स है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, इसको हमने डीकम्पोज कर दिया लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, जैसे कि मैंने पहले बताया कि हमारे पास इसकी जो एंट्रीज आएंगी वो 1-1 की फॉर्म में होगी और इसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो होंगे वो बराबर होंगे। जबकि हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल के नीचे सारे के सारे जीरो होंगे जो कि एचलॉन फॉर्म की कंडीशन है और डायगोनल के ऊपर सारी की सारी हमारे पास रिक्वायर्ड एंट्रीज आएंगी, कंपोनेंट्स आएंगे, रिक्वायर्ड हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगी। सो इस किस्म की फॉर्म हमारे पास ए इज इक्वल टू एन यू फॉर्म कहलाती है। ए को हमने डीकम्पोज कर दिया इन टर्म ऑफ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड इन टर्म ऑफ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। थ्योरम्स एंड प्रॉपर्टीज में हमारे पास पहला इससे कंसर्न बात यह है कि इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए कैन बी रिड्यूस्ड टू रो एक्चुअल फॉर्म विद नो रो इंटरचेंज देन ए हैज एलयू डीकम्पोजिशन। अगर ए हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसकी रिड्यूस्ड एक्चुअल फॉर्म भी एग्जिस्ट करती है विदाउट इंटरचेंजिंग द रोस, तब हम उसकी एलयू डीकम्पोजिशन भी लिख सकते हैं। इसी तरह इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम देन द ऑर्डर ऑफ बोथ L and U will also be M. अगर हमारे पास A का जो order है, वो square matrix है, उसका order in term of M cross M आ रहा है, N cross N की form में आ रहा है, तब हमारे पास lower triangular matrix का order भी M cross M होगा और upper triangular matrix का order भी M cross M की form में होगा। In general, not every square matrix A has a LU decomposition. Generally हमारे पास कह सकते हैं कि हर स्क्वायर मैट्रिक्स की डीकम्पोजिशन एग्जिस्ट नहीं करती। इन द लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑल द एंट्रीज अबव द डायगोनल आर जीरो, जैसे मैंने पहले बताया लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के में डायगोनल के ऊपर तमाम की तमाम एंट्रीज जो होंगी वो जीरो होंगी और अपर ट्रायंगुलर में डायगोनल के नीचे सारी की सारी जो एंट्रीज होंगी वो जीरो होंगी। जिस तरह के फर्दर इसको अगर लिखा जाए तो आप इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, ये हमारे पास एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स है जिसके कंपोनेंट्स A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब इसका जो ऑर्डर आ रहा है ये ऑर्डर हमारे पास 3x3 है। अब इसका जो लोअर मैट्रिक्स आएगा वो भी 3x3 होगा और इसके डायगोनल के ऊपर सारी की सारी वैल्यूज जो होंगी वो जीरो होंगी। और इसी तरह अपर जो है हमारे पास जो अपर ट्रायंगुलर फॉर्म आएगी उसमें डायगोनल के नीचे सारी की सारी हमारे पास वैल्यूज जो होंगी वो जो जीरो होंगी। सो ये हमारे पास हम इस फॉर्म में इसको डीकम्पोज कर लेंगे, ये हमारे पास ए की डीकम्पोजिशन आएगी जिसको हम एल यू डीकम्पोजिशन कहते हैं। So, इसी तरह फिर नेक्स्ट हमारे पास सर प्रोसीजर है फॉर फाइंडिंग एलयू फैक्टराइजेशन। इसमें जब एग्जांपल को सॉल्व करेंगे तो फर्दर आपको इस की समझ आ जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, रिड्यूस मैट्रिक्स ए टू रो एचलॉन फॉर्म यू विदाउट यूजिंग रो इंटरचेंज। हमने ए को एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है पर शर्त यहाँ पे ये है कि हम रोज को इंटरचेंज नहीं करेंगे। Keeping track of the multiples used to introduce the leading ones and the multiples used to introduce zeros below the leading one. इसी तरह next है हमारे पास in each position along the main diagonal of L place the reciprocal of the multiple multiplier that introduced the leading one in that position in view. इसका मतलब यह है कि हम upper triangular matrix जब बनाएंगे तो उसकी diagonal entry को जब हम one करेंगे तो हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की डायगोनल एंट्री पे उसका मल्टीपल रेसिप्रोकल जो है वो लिखेंगे। इसी तरह थर्ड है इन ईच पोजीशन बिलो द मेन डायगोनल ऑफ एल प्लेस द नेगेटिव ऑफ द मल्टीपल यूज्ड टू इंट्रोड्यूस जीरो इन दैट पोजीशन इन यू। जो हमने अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनानी है यू, हमने उसके डायगोनल के नीचे जितने जीरो बनाने हैं हम उसका नेगेटिव एंट्री लिखेंगे लोअर मैट्रिक्स के अंदर जाके। जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एल जो बनेगी यू के डायगोनल के नीचे जो जीरो बनेगा, सपोज हम कहते हैं कि हमें 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जीरो बनाने के लिए, तो हम वो 6 की पोजीशन पे एल मैट्रिक्स में जाके उसका नेगेटिव लिखेंगे मतलब -6 लिखेंगे। इसी को हम फर्दर एग्जाम्पल में भी सॉल्व करेंगे। From the decomposition A is equal to LU की फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा। Example 1 है जो नोट्स में आपके पास गिवन है 17.1 एग्जाम्पल के तौर पे।
फाइंड द LU डीकंपोजिशन ऑफ A. अब इस एक मैट्रिक्स को हमारे पास सबसे पहले कुछ समझने के लिए है कि हमने क्या करना है कि सबसे पहले इसको चेक ये करना है कि इसका ऑर्डर क्या है. इसका ऑर्डर हमारे पास आसानी के तौर पे 3x3 की फॉर्म में आ रहा है. अब यहाँ पे एक और ऑप्शन भी हो सकती है कि इसका ऑर्डर मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो हमारे पास 3x4 भी आ सकता है और इसी तरह 4x3 भी आ सकता है. इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर है, सो इसलिए ये हमारे एक स्क्वायर सिस्टम है, m क्रॉस m की फॉर्म में गिवन है. सो इसके सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी विल रिड्यूस a टू अ रो एचेलॉन फॉर्म u एंड एट ई स्टेप वी विल फिल द एंट्री ऑफ l इन द ऑर्डिनेंस इन अकॉर्डेंस विद द फोर स्टेप प्रोसीजर अबव. जो हमने चार स्टेप्स ऊपर डिफाइन किए हैं उसके मुताबिक हम एल को डी फिल अप करेंगे. ये शॉर्टकट मेथड है फॉर फाइंडिंग दी लोअर मैट्रिक्स एल. अब यहाँ पे अगेन हमने इसको मैं हाईलाइट करूँ तो यहाँ पे ये एंट्री सबसे पहले हमारे पास 6 जो है इसमें अगर हम 1 बनाएं इसका मतलब है कि हमें पूरी रो को आर 1 को जो है वो डिवाइड करना है 6 के साथ. सो एल आर 1 हमारे पास 6 से डिवाइड होगा यहाँ पे 1 आ जाएगा. सो लोअर जो मैट्रिक्स है इसका हमारे पास रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा 6, क्योंकि 1/6 है तो हम 6 को लोअर मैट्रिक्स के अंदर जाके रिड्यूस करवाएंगे इसकी डायगोनल एंट्री पे. अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमने इसी के मुताबिक यहाँ पे इस पीवर्ड के मुताबिक यहाँ पे 0 बनाना है और इसी पीवर्ड के मुताबिक यहाँ पे 0 बनाना है. इन रोज ऑपरेशन से आप बहुत खूबी जो है वो फेमिलियर है. सो हमने यही काम किया यहाँ पे तो हमारे पास सबसे पहले 6 को हमने डिवाइड कर दिया, 6 को डिवाइड किया जो है आर 1 को डिवाइड किया तमाम की तमाम पूरी की को 6 के साथ. अब ये 3x3 कोफिशिएंट मैट्रिक्स है हमारे पास, ये वाला हमारे पास एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3x3 है और ये हमने ये मैट्रिक्स जो है ये हमने एज अ लोअर मैट्रिक्स के तौर पे लिख लिया है. लोअर मैट्रिक्स के तौर पे क्या लिखा है कि डायगोनल के ऊपर सारे के सारे 0 होने चाहिए. यहाँ पे हम ए में डायगोनल के नीचे सारे के सारे 0 बनाएंगे. इसका मतलब है कि हमें जो 0 चाहिए वो कुछ इस फॉर्म में ये सारी की सारी एंट्री जो होंगी ये 0 होंगी, ये सारी की सारी एंट्री 0 होंगी और यहाँ पे डायगोनल के ऊपर 0 है और डायगोनल पे 1 1 1 है. सो इसलिए स्टैटिक के साथ इसको 1 1 को जो है वो डिनोट किया गया है यहाँ पे. अब मैंने क्या किया कि हम इसको इस एंट्री को हमने 1 बनाने के लिए ये जो 1 बना है पूरी की पूरी रो को 6 से डिवाइड कर दिया. जब 6 से डिवाइड किया ये 1 बन गया, ये -1/3 बन गया और ये 0 का 0 रहा और इसका रेसिप्रोकल यहाँ पे 6 लिख दिया. 6 से डिवाइड किया था तो इस एंट्री को फिलअप कर दिया इस 6 में. अब इसके मुताबिक इस पीवर्ड के मुताबिक ये 0 चाहिए और इसी पीवर्ड के मुताबिक ये 0 चाहिए. अब इस आर 1 को अगर मैं -9 से मल्टीप्लाई करूं तो और आर 2 के साथ ऐड कर दिया जाए तो इस पोजीशन पे ये 0 आ जाएगा. ये वाली पोजीशन जो होगी ये 0 हो जाएगी. सो इसका मतलब है कि इसको मैं लिख सकता हूं आर टू प्लस -9 ब्रैकेट R1. सो R2 प्लस -9 R1 इस पोजीशन के लिए ये 0 हो जाएगा. अब नेक्स्ट इस पोजीशन के लिए अगर इसी तरह R3 में चेंज आना है सो R3 प्लस -3 R1. तो ये ब्रैकेट आ गया R1. अब यहां पे इन दोनों का ऐड किया जाएगा तो ये दोनों ये पोजीशन और ये पोजीशन ये दोनों 0 हो जाएगा. अब इसका जो मल्टीपल था ये -9 था तो इसका नेगेटिव क्या आ गया 9. ये 9 पोजीशन हमने ये फिल अप कर दी. इसी तरह यहां पे -3 था जो था मल्टीपल 0 बनाने के लिए, जो 0 बनाने के लिए जो हम मल्टीपल यूज कर रहे हैं मैं उसकी बात कर रहा हूं. सो ये -3 था तो इसका नेगेटिव +3 आ गया तो ये वाली पोजीशन जो है हमने फिल अप कर.
अब ये लोअर मैट्रिक्स है, लोअर ट्रायंगुलर फॉर्म है। लोअर ट्रायंगुलर फॉर्म का जो पहला कॉलम है वो हमारे पास फिलअप हो चुका है, ठीक है जी। ये पहला कॉलम हमारे पास 693 की फॉर्म में आ गया। अब इन दो रोज ऑपरेशन को जब हमने परफॉर्म किया तो हमारे पास ये रिजल्टेंट आ गया। अब इस रिजल्टेंट पे अब ये जो पोजीशन आ रही है 2 की, अब ये हमारे पास इसे अगर हम 1 बनाए तो ये हमारे पास 1 2 से इस पूरी रो को डिवाइड करे तो ये हमारे पास पेमेंट एंट्री 1 बन जाएगी। इसका मतलब है कि नेक्स्ट रो ऑपरेशन जो करना है वो 1/2 R2 करना है। सो इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है ये हाईलाइट कर लो मैं इसको। तो नेक्स्ट हमारे पास आ गया जैसे मैंने पहले बताया कि 1/2 को हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया। सो ये वाली जो एंट्री है R2 में ये 1 आ गया। अब 1/2 से डिवाइड किया था तो इसका रेसिप्रोकल यहाँ पे हमने लिख लिया, ये 2 आ गया। नेक्स्ट लोअर मैट्रिक्स के अंदर इस पिवट एंट्री की जगह पे आ गया। अब इसके मुताबिक, इस पिवट के मुताबिक हमें यहाँ पे 0 बनाना है। इसका मतलब है कि मैं रो ऑपरेशन लिखूंगा R3 प्लस ब्रैकेट -8 R1 सॉरी R2 के लिहाज से। सो यहाँ पे R2 के लिहाज से ये चेंज आ जाएगा। R3 का कॉफिशियंट R8 प्लस -8 से मल्टीप्लाई होगा, 3 प्लस है तो +8 -8 0 हो जाएगा। यहाँ इसका नेगेटिव क्या है, +8। इस +8 को हमने उठा के इस 2 के नीचे लिख दिया, इस पिवट के नीचे ये लिख दिया। ये हमारे पास सेकंड एंट्री फिलअप होगी लोअर मैट्रिक्स की। सो यहाँ पे ये 0 आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास डायगनल एंट्री क्या थी, 1। ये ऑलरेडी 1 है, हमें जरूरत ही नहीं है यहाँ पे किसी को जो है वो डिवाइड करने की। सो इसका मल्टीपल हमारे पास 1 ही है। सो ये 1 उठा के हमने इस जगह पे जो है वो प्लेस कर दिया। अब ये हमारे पास एक मैट्रिक्स जो है ये डीकम्पोज हो चुकी है इन टर्म ऑफ एल एंड इन टर्म ऑफ यू। ये हमारे पास जो हमने जो स्टार्टिंग में साथ फिलअप किया, ये मैट्रिक्स हमारे पास एल आ गई और ये हमने एचलॉन फॉर्म बना दी है यू लोअर अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में। अब इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास दोबारा रिजल्टेंट जो है वो ए आ जाएगा। अब इसको जो है मैंने मल्टीपल के लिहाज से आपको एक्सप्लेन किया है। अब इसी मल्टीपल को हम डायरेक्ट मेथड से जो रो ऑपरेशन के लिहाज से हमने डिस्कस किए थे उसके लिहाज से भी हम इसको जो है वो एग्जाम्पल के तौर पे सॉल्व कर सकते हैं।